हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं और इस स्ट्रैटेजी को आप सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही यूज करिएगा, ठीक है। और इसको अगर आप एक्सपायरी के दिन सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन इसमें लॉस नहीं हो सकता, आप बराबर पर छूट सकते हो, प्रॉफिट ही होगा। जब भी होगा आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रैटेजी कौन सी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आप बीच बीच में स्किप करके जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पर हमें क्या करना है कि 10 बजे सुबह में इस स्ट्रैटेजी को हमें सुबह में 10 बजे लगाना है, ठीक है। और लगाकर आपको छोड़ देना है, कोई भी इमोशन यहाँ पर आपको नहीं रखना है। इमोशन रखेंगे तो आप सोचेंगे कि अभी प्रॉफिट हो रहा है बुक कर लूँ, अभी लॉस हो रहा है बुक कर लूँ। और यहाँ पर अगर आप सिंगल लॉट में करते हैं काम तो सिंगल सिंगल लॉट में मात्र आपको लगभग 2000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। मात्र सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं लाइव मार्केट में और फिर हम लोग यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग खोलेंगे ऑप्शन चेन डाटा। तो यहाँ पर देखिए 5 नवंबर की एक्सपायरी लगी हुई है निफ्टी की, लेकिन हमें काम करना है बैंक निफ्टी में। तो हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पर खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो 5 नवंबर की एक्सपायरी है उसका यहाँ पर डेटा खुला हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है कि 10 बजे सुबह में आपको जाना है और 10 बजे सुबह में जाने के बाद आपको ऑप्शन चेन खोलना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर और हमें देखना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। जिस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लगेगा हम लोगों को उसी को सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो था 27,000 के लेवल पे, जहाँ पर 8,21,000 का ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ था। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर है 10 लाख, 12 लाख, 19 लाख तक का है, लेकिन हमें एक्सपायरी के दिन काम करना है। इसको आप एक्सपायरी के दिन यूज करिएगा और जिस भी लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लगा हो उस साइड की आपको कॉल पकड़नी है और पुट साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो उस साइड की आपको पुट पकड़ना है। तो पुट में हमें ये देखने को मिल रहा है जो प्राइस निकल कर आ रहा है 24,000, तो 24,000 का पुट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूर की जो स्ट्राइक प्राइस है वो लगी हुई है, 9,81,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 24,000 के लेवल पे। और इस ऑप्शन को मैंने 84 रुपये में आज अपने टेलीग्राम चैनल में दिया भी था कि इस ऑप्शन को आप सेल कर दीजिए, 2 दिन में ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको 84 में सेल करवाया था, अभी चल रहा है ये 68 रुपये। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में लगा हुआ है 24,000 की पुट पर और कॉल साइड में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 27,000 के कॉल ऑप्शन पर। तो यहाँ पर देखिए 8 लाख और वहाँ पर 9 लाख। तो हमें क्या करना है कि इसका कॉन्सेप्ट आप लोग पहले समझिए कि सबसे ज़्यादा जिस पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो वही हमें ऑप्शन सेल करना है, कॉल साइड में भी और पुट साइड में। ये देखिए आउट ऑफ द मनी है और ये भी आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है। ये दोनों जो ऑप्शन का प्रीमियम है ये इन द मनी है, जो ये रेड वाला कलर है दोनों, ये पुट साइड का इन द मनी है और ये कॉल साइड का इन द मनी है। ये पुट साइड का आउट ऑफ द मनी है और ये कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी है। OTM हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो जो आउट ऑफ द मनी मतलब कि जहाँ पर बैंक निफ्टी अभी चल रही है उसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो होंगी कॉल ऑप्शन की आउट ऑफ द मनी, और पुट साइड की उससे नीचे जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी उसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। अभी बैंक निफ्टी चल रही है 25,600 पे, तो यहाँ पर 25,000 के आसपास अगर हम लोग देखते हैं तो इसको आउट ऑफ द मनी हम लोग बोलेंगे 25,000 की पुट को, और यहाँ पर लगभग 26,400 की जो कॉल है इसको भी हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, एक्सपायरी के दिन 10 बजे जाना है इस ऑप्शन चेन के ऊपर और यहाँ पर हमें दोनों साइड में सबसे ज़्यादा जिस लेवल पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है हमें वही दोनों ऑप्शन को सेल करना है। लेकिन जो हमारा प्रीमियम साइज होगा वो हमें रखना है 40 से 45 रुपये का। मान लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ पर मिल जाए कि मान लीजिए ये वाली जो ऑप्शन है 4,82,000 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 25,500 की पुट पर, तो हमें ये नहीं लेना है, हमें दूर का लेना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो लेकिन उसका प्रीमियम भी 40 से 45 रुपये का हो। ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप पकड़ लीजिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो और उसका भले प्रीमियम 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको जो प्रीमियम पकड़ना है एक्सपायरी के दिन
गुरुवार को जो एक्सपायरी होती है उस दिन की बात कर रहा हूँ, तो आपको 40 से 45 रुपये का ही प्रीमियम आपको सेलेक्ट करना है, उससे बड़ी प्रीमियम आपको नहीं लेना है, राइट। तो उसमें क्या करना है कि दोनों को सेल कर देना है, कॉल को भी सेल कर देना है और पुट को भी सेल कर देना है, और 40 से 50 रुपये की प्रीमियम आपको सेलेक्ट करनी है, उस पर चाहे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो, अगर नहीं हो उससे दूर भी हो, अगर बाहर की उससे पास की मत लेना, आप उससे दूर की लेना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है उसकी प्रीमियम की प्राइस चल रही है 40 रुपये तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा चल रही है तो आप और दूर चले जाइएगा एक दो स्ट्राइक प्राइस और ऊपर, और 40 से 45 रुपये का आपको प्रीमियम वहाँ पर सेलेक्ट करना है। जब आप 40 से 45 रुपये के बीच का प्रीमियम सेलेक्ट करके दोनों को शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे इंट्राडे में, तो उन दोनों का स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको वो 40-40 पॉइंट का लगाना है। मान लीजिए कि आपको जो पुट मिली है वो 43 में मिली है और जो कॉल का प्रीमियम आपको मिला है वो 42 में मिला है एग्जाम्पल के लिए, तो जो कॉल साइड का स्टॉप लॉस होगा वो होगा 82 का और जो पुट साइड का स्टॉप लॉस होगा वो होगा 83 रुपये का। मतलब जिस भी रेट पे आपको सेल हो वहाँ से 40 पॉइंट ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं उसको। तो मान लीजिए कि जो हमें 40 से 45 रुपये का प्रीमियम मिलता है वो कम से कम 500-600 पॉइंट दूर का ही होगा, तो आप आने वाले गुरुवार को इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लाइव ट्रेड नहीं करना है तो पेपर ट्रेड आप करके चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी आपको काम करती है कि नहीं, आपको लॉस नहीं होगा, जब भी होगा तो प्रॉफिट ही होगा, नहीं तो आप बराबर बराबर पर छूटेंगे। तो यहाँ पर जो आपका प्रीमियम सेल होता है 40 से 45 के बीच में, उसमें 40 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी किसी एक साइड फास्ट मूवमेंट करती है, 500-600 पॉइंट की मूवमेंट करती है, तो आपका एक जो कॉल या पुट का, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ऊपर चली गई 600 पॉइंट, आपका स्ट्राइक प्राइस आ गया, तो वहाँ पर आपका कॉल साइड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि वो 40 रुपये की जो कॉल ऑप्शन रहेगी वो चली जाएगी 80-82 रुपये पे, तो आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा कॉल साइड में। लेकिन जो पुट साइड का आपका रहेगा वो हो जाएगा जो स्पॉट प्राइस है वहाँ से 800-900 पॉइंट दूर, क्योंकि आपने पुट को तो पहले ही 400-500 पॉइंट दूर का सेल किया है, उसके बाद बैंक निफ्टी मान लीजिए 400-500 पॉइंट ऊपर चली गई, तो आपका पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है और बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो हो जाएगा 700-800 पॉइंट की रेंज में, तो वहाँ से आपका पुट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एक साइड मान लीजिए आपको 40 रुपये का लॉस हुआ, 1000 रुपये का आपको लॉस हुआ, दूसरी साइड आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, तो आप इक्वल इक्वल पे छूटेंगे। अगर मान लीजिए कि एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी मूव नहीं करती है, 200-300 पॉइंट का ही मूव करती है और उसी के बीच में एक्सपायरी हो जाती है बैंक निफ्टी का, तो आपको क्या होगा कि ये दोनों जो पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी की रहेगी और जो कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी की रहेगी, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस होता है, अगर उससे आप OTM सेल किए हैं कॉल या पुट, अगर बैंक निफ्टी वहाँ तक नहीं जाती है तो दोनों प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उस दिन लगभग 2000 रुपये का कम से कम प्रॉफिट होगा। अगर आपने 40 रुपये का प्रीमियम सेलेक्ट किया हुआ है वो जीरो होता है, तो आपको क्या होगा कि 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा कॉल में और उसी तरह से पुट में भी होगा। तो आपने 42-43 के आसपास का सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 40 से 45 रुपये का प्रीमियम आपको सेलेक्ट करना है ताकि हमें प्रॉफिट 2000 से 2100-2200 रुपये के आसपास हो। अगर हमारी उस दिन स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, बैंक निफ्टी किसी साइड 600-700 पॉइंट की मूव कर देती है, तो उस दिन हमारा एक साइड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और दूसरे साइड में हमें उतना ही प्रॉफिट मिल जाएगा, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में छूट जाएंगे। ऐसा अगर आप एक्सपायरी में, मतलब महीना में 4-5 एक्सपायरी आती है, तो ऐसा अगर मान लीजिए 2 बार आपको कुछ भी नहीं मिलता है, 3 बार आपको मिल जाता है, तो 3 बार आपको जब मिलेगा प्रॉफिट तो आपका 6000 रुपये तक का प्रॉफिट होगा और इसमें मार्जिन मात्र लगती है 50 से 60 हज़ार रुपये। आप अगर ज़ीरोधा में काम करते हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये लगती है, एंजल ब्रोकिंग और अलाइज ब्लू में करते हैं तो मात्र 25 हज़ार रुपये लगती है, और यही काम अगर आप आस्था में करते हैं तो आपका 10 से 12 हज़ार रुपये में काम हो जाता है। सारे अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आपको जिसमें इच्छा हो आप उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप महीने भर करते हैं तो 4 एक्सपायरी भी अगर आपको मिलती है, तो मान लीजिए 2 में आपको नहीं मिलता है, 2 में प्रॉफिट मिलता है, तो आपका सिंगल सिंगल लॉट की बात कर रहा हूं मैं, तो महीने में आपको 4000 रुपये तक का कम से कम आपको प्रॉफिट होगा और अमाउंट आपकी लगेगी मैक्सिमम 60000 रुपये, ऐसा ज़ीरोधा में। बाकी अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे कम में कम आस्था में लगता है और एंजल ब्रोकिंग और अलाइज ब्लू में 25000 रुपये की अमाउंट लगती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 60000 रुपये ही करते हैं, अगर आप अकाउंट ज़ीरोधा में ओपन करते हैं तो आपको 60000 रुपये के ऊपर
हर महीने कम से कम आपको 4,000 रुपये तक का प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर इस तरह से आप पूरे एक साल तक करते हैं 60,000 की अमाउंट से और मात्र 4,000 रुपये ही प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है आपका, तो 12×48 लाख लगभग आपको 48,000 से 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन किसी किसी महीने में आपको पूरा चारों महीने प्रॉफिट ही दे देगा वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी 60,000 की कैपिटल से आप एक साल में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं इस वाली स्ट्रेटजी से। और आराम से ट्रेड करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, और हफ्ते में आपको सिर्फ एक दिन ही ट्रेड करना है एक्सपायरी के दिन, और ये स्ट्रेटजी लगाकर आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जब भी होगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहां पर मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी प्लस कॉल्स वगैरह बिल्कुल फ्री में देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है। उस लिंक के द्वारा अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में, तो मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल देता हूं बिल्कुल फ्री में, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए और नई नई स्ट्रेटजी लाता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।